गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और मैं अभी भी जस्ट उठी हूँ, आज थोड़ा सा सो गई थी, तो अब मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और लेट के यहाँ पूरा ये चूड़ी का निशान आ गया, चूड़ी से ऐसे दब गया होगा सोने में, तो पूरा निशान आ गया यहाँ। तो अभी मैं जा रही हूँ काना को छोड़ने एकेडमी। और आज गैस भी जो है वो ख़त्म होने वाली हो रही है, सिलेंडर वो भी लेके जाना है मुझे, भी वही भरवाना है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ आज का। तो अभी मैं जा रही हूँ एकेडमी काना को छोड़ने के लिए, और यहाँ पे मैं उसकी भर रही हूँ बॉटल, और साथ में लेके जा रही हूँ सिलेंडर, जो कि आज मेरी गैस शायद ख़त्म हो जाएगी। तो उससे पहले कि मैं सिलेंडर भरवा लूँ, तो इसको भी मैं गैस गोदाम छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि 5 बजे गोदाम बंद हो जाता है। तो आते वक्त इसको ले आऊँगी, और अभी इसको मैं वहाँ रख के जाऊँगी, और काना को छोड़ने के लिए वहीं से निकल जाऊँगी। तो काना को छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ एटीएम में, SBI एटीएम में, यहाँ से मैंने पैसे ले लिए हैं। तो अभी मैं हूँ जस्ट बुटीक पर, और ये है आवाज़ विकास में, और यहाँ मैंने दिया था ब्लाउज सिलाने के लिए, तो भैया ने ब्लाउज तो सिल दिया है। और अभी मेरा तीसरा चक्कर है यहाँ पे, तो भैया के पास खुले पैसों की प्रॉब्लम थी, तो वो खुले कराने के लिए गए हैं। मैं यहाँ पर रुकी हूँ, तो आपको यहाँ का लोकेशन दिखा दूँगा कैसे। अभी तो बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है गलियों में, और ये है आवाज़ विकास, तो ऐसा है यहाँ का लोकेशन। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ गैस गोदाम में, और ये है शीश महल में ही। तो यहाँ से मैंने सिलेंडर ले लिया है। आपका नाम क्या है? निधि। क्या नाम है? निधि। निधि, अच्छा, निधि नाम है। हाँ, जो डॉट लगा रखे हैं उसी में पेंसिल घुमानी है, ठीक है? शाबाश। टू पढ़ते रहना है, लिखते रहना है, ठीक है? चलो सुनाओ, 1 2 सुनाओ 10 तक, जोर से। वन वन नहीं, वन वन, हाँ टू, हाँ थ्री, हाँ फोर, हाँ फाइव, हाँ सिक्स, हाँ सेवन, हाँ एट, हाँ नाइन, जोर से, नाइन नाइन, हाँ टेन, शाबाश, गुड। ऐसे पढ़ना है, हाँ, और ऐसे ही लिखना भी है। आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, ओके, ठीक है, बोलो, ठीक है। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद, और दिन 2 आते थे, तो आज 1 ही आई है, और उसको ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर जो मेरे शाम के टाइम के बर्तन थे, उनको मैं धो रही हूँ साथ साथ ही, और सारे बर्तन धो के मैं अभी टप में रख देती हूँ ऐसे ही, और फिर उनको बाद में लगाती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन फटाफट से बर्तन धो दिए हैं मैंने, और टप में रख दिए हैं धो के। उसके बाद मैंने स्लैब भी साफ़ कर दी है, क्योंकि ये स्लैब ना बहुत गंदी हो जाती है, दिन भर बच्चे इसमें कभी कुछ करते रहते हैं, तो गंदी हो जाती है। और अभी मैंने निकाल दी है सब्ज़ी काटने के लिए, और सब्जी में मैं आज बनाने वाली हूँ लौकी। तो आजकल जो है सीजनल में लौकी की सब्ज़ी चल रही है, तो बहुत अच्छी लौकियाँ आ रही हैं आजकल, गोल गोल, और सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी होती है इसकी। तो साथ साथ ही मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट के फटाफट से सब्ज़ी भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर काना को लेने जाना होता है। इससे पहले मैं सारी सब्ज़ी वगैरह सब बना के जाती हूँ। तो एक लौकी की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बना दी है, और एक मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी है, और साथ में मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, क्योंकि मुझे सबका ध्यान देना पड़ता है। कोई कोई सब्ज़ी खाते हैं, कोई कोई सब्ज़ी खाते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर मुझे बनाना होता है। तो शाम को खाना थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए, इस वजह से मुझे थोड़ा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने दही भी जमा दिया था, शाम जो दही था वो मैंने बना लिया था उसका रायता, और साथ में दही भी जमा दिया था।
और साथ साथ ही मैं यहाँ पर सब्ज़ी चलाने के बाद मैं आटा गूंदने लग गई हूँ। आटा गूंदने के लिए मैं बहुत आराम से गूंथती हूँ यहाँ पर बैठ के, तो यहाँ पर बैठ के आटा अच्छे से गूंथ भी जाता है। तो उधर मेरी सब्ज़ी पक रही है, दोनों सब्ज़ियाँ पक के तैयार हो जाएंगी। और आटा गूंथ के मैं ऐसे डोंगे में रख देती हूँ ताकि आटा सूखता भी नहीं है, और हाथों हाथ मैं परात को धो के इसको रख देती हूँ और डोंगे में आटा रख देती हूँ, क्योंकि आटा जो है अच्छे से सेट भी आता है। और उसके बाद मैं अब जाने लग गई हूँ काना को लेने के लिए, क्योंकि 7:45 का टाइम हो गया है, 6:50 का। तो 6:50 पे मैं घर से निकलती हूँ और 10 मिनट लगते हैं मुझे वहाँ आने में, और हमारे इस महल से हल्द्वानी कम से कम 5 किलोमीटर है, तो 10 मिनट लगते हैं। तो काना को एकेडमी से घर लाने के बाद मैं देती हूँ बच्चों को दूध, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सबके लिए दूध बना दिया है, और सबको कप में एक एक कप उनको दूध देती हूँ, और साथ में देती हूँ उनको बिस्किट, और ये सब के लिए मैंने बराबर बिस्किट रखे हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बिस्किट और दूध सभी जने लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, और साथ में देखते हैं थोड़ी देर टीवी और सभी लोग बैठ के। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद फिर बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये अपना काम करते हैं, और मैं आ जाती हूँ फिर किचन में। तो फिर सबको खाना बना के देते रहती हूँ, गरम गरम रोटियाँ बच्चों को देती रहती हूँ, और फटाफट से बच्चे भी खा लेते हैं। किसी दिन तो बहुत तंग करते हैं, खाते नहीं हैं साथ साथ ही, और किसी दिन अच्छे से खा भी लेते हैं, और आज तो अच्छे से खा लेंगे क्योंकि आज रायता भी है, खुशी रायता खाती है तो उसके लिए रायता बना है, खाना भिंडी खाता है उसके लिए भिंडी बनी है, सीखा तो सभी कुछ खाती है, लौकी वगैरह सब खाती है, तो उसके लिए सभी कुछ वो सभी कुछ खा लेगी। तो यहाँ पर सभी के पसंद का आज ध्यान रखा हुआ है मैंने, मतलब रोज़ ही रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये खाना लगा के मैं खाना को दे रही हूँ, और बच्चों को सबको मैंने भी खिला दिया है, और अब आ गई है मेरी बारी। तो लास्ट में मेरे लिए तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ बनाती हैं, क्योंकि दो सब्ज़ियाँ इसमें एक्स्ट्रा है, एक जी ने दे रखी है, एक ताई ने दे रखी है इसकी। तो ये खाना आ गया है, और खाना खाने के बाद यहाँ पर निहारिका सो गई है, बिल्लू भी साथ में सो गया, बिल्लू को भी मैंने चिकन दे दिया था तो उसने चिकन और रोटी खा ली थी। उसके लिए भी मैं आज चिकन लेके आई थी, क्योंकि कल है ट्यूसडे, तो इस वजह से आज उसके लिए चिकन आया है, चिकन बना के रख दिया मैंने। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।